भाई ये क्या सिचुएशन चल रही है, फ्रेंकी डियोंग का और एंजो फर्नांडिस का? क्या एक एक्सचेंज डील अपन को देखने को मिलने वाला है, या फिर फ्रेंकी डियोंग बार्सा छोड़कर के जाने वाला है? सो देर आर क्रेजी रूमर्स ऑफ एफसी बार्सा के प्लेयर्स। आज उन रूमर्स को ब्रेक डाउन करने वाले हैं, थोड़ा सा रियलिटी चेक आपको देने वाला हूँ कि क्या ये चीज़ें होने वाली कि नहीं होने वाली है, क्योंकि क्रिश्चियनसन छोड़ करके जाने वाला है, कुंडे छोड़ करके जाने वाला है, फ्रेंकी डियोंग छोड़ करके जाने वाला है, एंजो फर्नांडिस, व्हाट इज गोइंग ऑन विद एफसी बार्सा आज की वीडियो में वो भी। मोर ओवर अपन बात करने वाले हैं भाई, ये गजब का गेम कल जो है वो विनीशियस जूनियर ने खेला अगेंस्ट जीरोना, द टीम विच डिफीटेड एथलेटिको मैड्रिड, बार्सिलोना, एंड देन दे वर ऑन यू नो दिस चैलेंज टू डिफीट रियल मैड्रिड, बट दे आर रियल मैड्रिड। एंड जो गेम विनीशियस का था, बात करेंगे उस गेम के बारे में भी। मोर ओवर वी नॉट टॉक अबाउट क्या रियल मैड्रिड का मैंडी रियल मैड्रिड छोड़ करके जाने वाला है, ऑल्सो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट सऊदी की तरफ से होने वाला है यूरोप में। Hey guys, welcome back to another video of AKG। लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम डेली 7:30 बजे आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर के आते हैं। नो मैटर वॉट, हम कहाँ भी हों कैसे भी हों, वीडियो 7:30 बजे आती है चैनल पे, तो सब्सक्राइब बिल्कुल जरूर करके जाइए। फुटबॉल फैन हो, अपडेट आपको डेली मिलेगा। एनीवेज दोस्तों, वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट सऊदी वालों का जो है वो इन्वेस्टमेंट इन नन अदर देन एएस रोमा। सो एज पर दी रिपोर्ट्स, सऊदी के शेख इज वेरी मच इंटरेस्टेड टू बाय एफसी रोमा। अब देखें दोस्तों, सऊदी के शेख के 3 क्लब्स तो ऑलरेडी सऊदी में है, अल नसर, अल हिलाल और एक और कोई सी क्लब, ठीक है, इतिहाद मोस्ट प्रोबेबली, प्लस उसका क्लब एक न्यूकासल भी है, तो ऑब्वियसली वो सेम सऊदी का ही है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड यानी सऊदी की गवर्नमेंट का एक क्लब है, तो ये 4 क्लब तो उसके थे। नाउ ही इज भाई साहब लुकिंग टू एक्सपेंड हिज फुटबॉल का नेटवर्क मोर, बिकॉज उन्होंने देखा कि एमिरेट्स वाले भाई साहब शेख सर ने तो आग लगा दिया सिटी ग्रुप ऑफ फुटबॉल बना करके, तो वैसे ही अपन भी कुछ करते हैं। तो एक तो यूरोपियन क्लब न्यूकासल है हमारे पास, अब भैया इटली की क्लब रोमा को जो है वो लेने का प्लान यहाँ पे चल रहा है। एज पर द रिपोर्ट, सऊदी के शेख जो है वो भाई यहाँ पे जा रहे हैं एएस रोमा को जो है वो बाय करने के लिए। जो बिड उन्होंने सबमिट करी है वो है अराउंड 900 मिलियन का। अब 900 मिलियन इज लाइक क्लोज टू 1 बिलियन आप कह सकते हैं, जो एक क्लब को खरीदने के लिए, वो भी रोमा जैसी क्लब को खरीदने के लिए, इस थोड़ा सा कम अमाउंट मेरे नज़र में, बट स्टिल इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। और अगर सऊदी वाले ऐसा इन्वेस्टमेंट इटली में करते हैं तो फिर जो एक समय था रोमा के क्या बोलते हैं दबदबा का, वो अपन को जो है वो देखने को मिल सकता है फिर से। अब देखो दोस्तों, जब 900 मिलियन में वो क्लब खरीदेगा तो सऊदी वाला फिर पैसे भी उस हिसाब से इन्वेस्ट करेगा, जैसे हम देख रहे हैं न्यूकासल धीरे धीरे कैसे बेटर होते हुए नजर आ रही है। इन सिमिलर वे, इन सिमिलर फैशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं रोमा के साथ भी। अब जो इनका मेन प्लान था कि भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड को खरीद लेते हैं, वो तो फेल हो गया। वो तो ऑब्वियसली सर जिम रैडक्लिफ जो है वो भाई एट दी एंड नए बायर बन गए, नए ओनर बन गए, तो वहां पे जो है वो हार सहने के बाद दे आर नाउ लुकिंग टू भाई साहब बाय एएस रोमा। अब देखने वाली बात होगी दिस डील विल बी कंप्लीटेड और नॉट, इनिशियल जो है वो ये रिपोर्ट आई है। अब वो खरीद लेता तो ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया, वापस से इटालियन फुटबॉल में एक और क्लब का अपन को जो है वो वापस से आप कह सकते हैं दबदबा बनते हुए नजर आ सकता है, अच्छा टक्कर देते हुए नजर आएगी रोमा, यूवेंटस और मिलान को। अगली खबर के ऊपर आ जाने दोस्तों, और वो है हमारे जो है वो फरलान मेंडी का एट रियल मैड्रिड। सो रियल मैड्रिड में ऐसा कहा जा रहा है कि मेंडी बहुत इनकंसिस्टेंट है, एंड हेंस रियल मैड्रिड इज लुकिंग टू सेल हिम। अब अगर यहाँ पे मेंडी जो है वो बेचा जाता है तो आप लोगों को पता ही है रियल मैड्रिड इज वेरी वेरी मच इंटरेस्टेड टू बाय अल्फांसो डेविस। अब ऐसा कहा जा रहा है रिपोर्ट्स के द्वारा कि भाई अगर अल्फांसो डेविस आ जाते हैं तो रियल मैड्रिड ऑब्वियसली मेंडी को रख के कुछ करेगी नहीं, एंड हेंस दे आर लुकिंग टू सेल मेंडी। अब मेंडी जाएगा तो वो कौन से क्लब में जाएगा, मे बी यूवेंटस, मे बी मैनचेस्टर यूनाइटेड, वी रियली डोंट नो कहाँ वो जाएगा, बट रियल मैड्रिड विल बी लुकिंग टू भाई साहब रेज सम फंड्स फ्रॉम दिस ट्रांसफर एज वेल, एंड उन फंड्स का इस्तेमाल वो डायरेक्ट यहाँ पे जो है वो अल्फांसो डेविस को खरीदने के लिए लेने वाले हैं। उनके पास ऑलरेडी एक जो है वो लेफ्ट बैक ऑप्शन है, वेरी यंग, कौन सा है आप लोगों को पता होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो वो यंग जो है वो फुटबॉलर को तो हम लोग रखे हुए हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन भाई फर्स्ट टीम चलाना है तो अल्फांसो डेविस को लाना है, और ये नारा के साथ जो है वो भाई बेचने के लिए उन लोग तत्पर है मेंडी को और अल्फांसो डेविस को लाने के लिए। सो मेंडी का आपको बहुत जल्द इस सीजन के अंत तक ऐसा माना जा रहा है कि गुड बाय टाटा होते हुए नजर आएगा। अब अगली खबर के ऊपर रहते हैं दोस्तों, और वो है बार्सिलोना से रिलेटेड इतनी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज में कि आपको क्या बताऊं। लेटली आप इस हफ्ते देख ही रहे होंगे कि ये अब क्लब को छोड़कर
करके जाने वाला है, वो क्लब को छोड़ करके जाने वाला है, ऐसा हो रहा है भाई। बहुत सारी जो है वो रूमर्स फैली हुई है। सबसे बड़ा रूमर है फ्रेंकी डियोंग का। वंस अगेन हमने देखा रिपोर्ट्स में कि फ्रेंकी डियोंग को वापस से भैया लिंक किया जा रहा था मैनचेस्टर यूनाइटेड से, कि वंस अगेन मैनचेस्टर यूनाइटेड इज वेरी मच इंटरेस्टेड बाय फ्रेंकी डियोंग एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब कहानी वापस से जो है वो जोरों शोरों से छपनी चालू हो गई थी मीडिया में। मोर ओवर अब केवल मैनचेस्टर यूनाइटेड ही नहीं, देयर इज चेल्सी एज वेल। एज पर द रिपोर्ट्स चेल्सी इज वेरी मच इंटरेस्टेड टू बाय फ्रेंकी डियोंग एंड देयर विलिंग टू स्पेंड 100 मिलियन फॉर फ्रेंकी डियोंग। अब देखें दोस्तों, यहां पे जो है वो फ्रेंकी डियोंग को 100 मिलियन में अगर खरीद रहे हैं तो ऐसा कहा जा रहा था कि फ्रेंकी डियोंग ने भी जो है वो ग्रीन लाइट दे दिया है कि हां भाई मैं भी बार्सिलोना छोड़ के जाने के लिए जो है वो रेडी हूं, मुझको कोई जो है वो दिक्कत नहीं है। अब ये जो रिपोर्ट निकल करके आई स्पेशली 100 मिलियन फॉर फ्रेंकी डियोंग जो चेल्सी का रिपोर्ट था वो एफएफ पोलो की तरफ से निकल करके आया है। देयर वाज दिस यू नो जर्नलिस्ट बहुत रिलायबल जिसने जो है वो ये रिपोर्ट को कोट किया था। सो सिंस ही वाज अ वेरी रिलायबल जर्नलिस्ट, सिंस उसके पिछले सारे रिपोर्ट जो है वो ट्रू होते हुए नजर आए, तो फिर समझ में आ रहा था कि हाँ भाई फ्रेंकी डियोंग से रिलेटेड जो है वो कुछ तो खबर चल रही है मार्केट में। अब देखें दोस्तों, नई बात नहीं है, हर जो है वो भाई मतलब आप कह सकते हैं ट्रांसफर विंडो में फ्रेंकी डियोंग का कहानी आता ही आता है, क्योंकि उसके वेजेस बहुत बड़े एक इशू है। रिगार्डिंग इस वेजेस, जो हमारे स्पोर्टिंग डायरेक्टर थे उनका कहना यह था कि हम जो है वो वापस एक कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाएंगे फ्रेंकी डियोंग का, जिसमें उसके वेजेस को जो है वो कम वगैरह करने की जो है वो बातचीत चल रही है। और स्पोर्टिंग डायरेक्टर डेको ने तो बहुत क्लियरली ये भी आकर के कहा था कि अराऊ और फ्रेंकी डियोंग को हम बिल्कुल ही बेचना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन क्या कहानी होगा कि अचानक से जो है वो रिपोर्ट छपने लग गई कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इज वेरी मच रेडी फ्रेंकी डियोंग को लेने के लिए, एंड चेल्सी तो भैया 100 मिलियन देने के लिए तैयार है। ऑल्सो देयर वॉज दिस वन मोर प्रीमियर लीग का क्लब जो मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, वो भी जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड, पीएसजी वॉज ऑल्सो वेरी मच इंटरेस्टेड टू बाय फ्रेंकी डियोंग। सो ये सब आने लग गया। अब दोस्तों, जब आपके क्लब का स्पोर्टिंग डायरेक्टर खुद आकर के बोलते हैं कि हम बिल्कुल ही बेचने के लिए तैयार नहीं है, तो ये कैसे होने लग गया? तो फिर एक रिपोर्ट जो है वो निकल करके आई जिसमें ये कहा गया कि भाई फ्रेंकी डियोंग को 3 महीने पहले बार्सिलोना ने एक नया कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के जो है वो टर्म्स को शेयर किया था, दिया था कि ये नए तेरे टर्म्स हैं, इसको तू एक बार पढ़ ले और जो है वो नए टर्म्स को साइन वगैरह अगर तेरे को करने का मन करता है, अगर तेरे को नेगोशिएट करने का मन करता है तो प्लीज़ वो कर दे और साइन कर ले नया कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ। लेकिन एज पर दी रिपोर्ट्स फ्रेंकी डियोंग ने अभी तक वो 3 महीने पहले का कॉन्ट्रैक्ट का रिप्लाई नहीं दिया है। तो सिंस उसने जो है वो 3 महीने से नया कॉन्ट्रैक्ट का रिप्लाई नहीं दिया है, वो कॉन्ट्रैक्ट को स्टेल कर रहा है इतने लंबे समय से, तो 3 महीने से अगर कोई रिप्लाई नहीं आया किसी बंदे की तरफ से, तो फिर ऐसा समझा जा रहा है कि फ्रेंकी डियोंग इज ओपन टू लीव एफसी बार्सिलोना। अब ये तो खबर चलो चली रही थी कि भाई फ्रेंकी डियोंग छोड़ करके जाएगा। अब ये एक ऐसा चीज है ना जो अपन को इस समर में मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगा, बिकॉज पिछले कुछ समर्स में ये चीज कभी भी देखने को नहीं मिल रही थी कि फ्रेंकी डियोंग इज हिमसेल्फ वेरी मच इंटरेस्टेड टू लीव एफसी बार्सिलोना। बट ये चीज इस समर में चेंज हुई है कि फ्रेंकी डियोंग भी खुद जो है वो छोड़ने के लिए ग्रीन लाइट दे चुका है। नाउ एक और खबर बहुत इंटरेस्टिंगली आ गई और वो थी कि चेल्सी में एन्जो फर्नांडिस इज नॉट रियली वेरी हैप्पी, डिस्पाइट उसके खुद के एजेंट का कमेंट्स इन द मीडिया कि भाई ये सब रूमर्स क्यों फैल रही है, मुझको समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को मतलब एन्जो फर्नांडिस इज भैया कीन टू स्टे एट चेल्सी, ये उसके एजेंट ने खुद आकर के कह दिया। लेटर और हमने देखा एन्जो फर्नांडिस ने गोल मार करके शर्ट अट खोल के सेलिब्रेशन किया, जिसमें वो ऐसे दिखा भी रहा था कि चेल्सी मेरी क्लब है, मैं यही रहूंगा, ऐसा वैसा ये वो। ये सब होने के बाद फिर ये खबर आया कि एन्जो फर्नांडिस जो है वो अपने आप को ऑफर किया है एफसी बार्सिलोना में। अब सिंस चेल्सी वॉज इंटरेस्टेड टू बाय फ्रेंकी डियोंग फॉर 100 मिलियन एंड एन्जो फर्नांडिस इज ऑफरिंग हिमसेल्फ टू एफसी बार्सिलोना, विल देयर विल बी अ एक्सचेंज एस ए काइंड ऑफ अ डील जहां पे फ्रेंकी डियोंग इन एक्सचेंज ऑफ एन्जो फर्नांडिस अपन को होते हुए नजर आएगा कि नहीं आएगा? दिस इज अ प्रॉपर बुलशेट खबर दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये खबर जिसने भी छापा है ये बहुत ज्यादा बुलशेट है, बिकॉज देर आर 3 more reasons मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, एन्जो फर्नांडिस का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 31 तक है, 2031, नॉट 2028, नॉट 2029, इट्स 2031 और 32, समथिंग लाइक दिस। सो इतना लंबा कॉन्ट्रैक्ट है तो अपन को जो है उससे ही दूसरा रीजन है कि अपन को जो है वो पैसा देना पड़ेगा एन्जो फर्नांडिस को लाने के लिए। हाँ, फ्रेंकी डियोंग को उन लोग देंगे तो 100 मिलियन अगर उन लोग देने के लिए तैयार है तो मे बी दे विल आस्क अस कि फ्रेंकी डियोंग प्लस 20 मिलियन ऐसा, या कुछ भी हुआ, अब इनके बीच में जो नेगोशिएशन होंगी वी रियली डोंट नो कि क्या नेगोशिएशन होंगी, तो ये नेगोशिएशन बहुत ही वेग होगी। एंड चेल्सी वॉन्ट्स टू यू नो बिल्ड देयर मिडफील्ड, दे आर प्लानिंग टू इंक्लूड फ्रेंकी डियोंग विद एन्जो फर्नांडिस, इट्स नॉट लाइक एन्जो फर्नांडिस को बेच के दे विल बी यू नो लेटिंग फ्रेंकी डियोंग इन, वो दोनों के साथ एक मिश्रण बनाना चाह रहे हैं वहां पे, तो ये डील बिल्कुल भी नहीं होने वाली। एन्जो फर्नांडिस इज नॉट कमिंग टू एफसी बार्सिलोना। जहां तक बात रही फ्रेंकी डियोंग की,
the future of Frankie De Jong is up in the air. This will be the ending moment of Frankie De Jong, क्योंकि अगर वो contract वगैरह renew नहीं करता है तो फिर Barcelona जो है वो open है उसको sell करने के लिए. Manchester United, Chelsea या फिर PSG देखने वाली बात होगी. आखिरी खबर में आ जाते हैं दोस्तों, और वो है हमारा जो है Vinicius Junior और Jude Bellingham का कमाल versus Girona. So दोस्तों, Girona top of the form चल रही थी, top of the table चल रही थी और चल रही है भी. Right now केवल half time हुआ है, मैंने पूरा game नहीं देखा है. Half time का, first half का ये मेरा जो है वो review है, आप मान सकते हो. Vinicius Junior, when the games are very important, when the games are ऐसे games जो भैया do or die वाले moment है Real Madrid के लिए, beat Liverpool, beat Man City, beat any other important fixture for Real Madrid, this guy will always stand for Real Madrid. And ये कमाल की खूबी होती है एक कमाल के player के, and Vinicius Junior is one of those player. भाई साहब, as the first minute of the game started, Vinicius Junior के मुंह से नजर आ रहा था कि he was very determined to, you know, create एक अपना important role इस game में, और वो चीज़ अपन को देखने को मिली from the very starting of the match. अब देखे होंगे क्या ही goal था Vinicius Junior का शुरुआती moment में. वही एक pass आता है Vinicius Junior के पास, और जैसे ही उसने ball को strike करी, it was just, everybody could see that it was a goal. As soon as the ball left his feet, that was a goal, bhai. And what a freaking goal he scored, bhai. Brilliant from Vinicius Junior. Yaad aa gaya, bhai, wo Brazilian players. Pata, agar aaj ke samay mein koi ek Brazilian player jo mujhko wo Brazilian vibes deta hai na, that is Vinicius Junior only. Uske alawa koi bhi nahi. Jo dusra goal tha, that was also made from Vinicius Junior only, bhai. What a dribble, a pass he played, bhai. Kya pass tha. It was just out of the world, out of the foot, made of the pitch se. And Jude Bellingham ka run was brilliant. That touch was class. Bhai, goalkeeper ko beat karta hai. Apne ek touch se, side mein hota hai. Goalkeeper beat hai. Ball aati hai left foot mein. Left foot finish dalte hai. Girte huye goal maarte hai. Ye class hai, ye coolness hai, ye composure hai, jo Real Madrid ke players aapko dete hai. Ye, main aapko bata raha hoon, bhai, ये लड़के हैं 20-21 साल के, भाई. ये कोई ऐसा बहुत बड़ा मैच्योर खिलाड़ी नहीं है कि इसने अपनी पूरी ज़िंदगी फुटबॉल में बिता दी और वो देख के आ रहा है कि बता, मैं ना बुफोन के खिलाफ भी खेला हूँ, मैं न्यूयॉर्क के खिलाफ भी खेला हूँ, मैं फलाना के खिलाफ भी खेला हूँ, मैं डिएगा के खिलाफ भी खेला हूँ, कि मेरे को आदत है इतना कंपोजर और इतनी कूलनेस मेरे ब्लड में. ये सारे लड़के हैं, भाई. ये कैसे गोलकीपर को लेटा रहे हैं बीच में, और ये मिडफील्डर है, भाई. ये क्लास है Jude Bellingham का. इवन एज अ बार्सिलोना फैन, आई लव Jude Bellingham, क्योंकि वो मुझको वो फुटबॉल की एसेंस देता है, समझ रहे हो. जो फुटबॉल की एसेंस आज खो चुकी है ना, वो देते हैं. तो ये खिलाड़ी हैं भाई रियल मैड्रिड के, जिनके अंदर वो क्लास है, वो कंपोजर है, और वो आप कहते हैं ना, वो फिनिशिंग टच है, जो अनफॉर्चुनेटली बार्सिलोना के प्लेयर्स के पास अभी फिलहाल नहीं है. एनीवेज दोस्तों, इट वाज अ ब्रिलियंट हाफ फ्रॉम रियल मैड्रिड. एवरी प्लेयर वॉज शाइनिंग, एंड इवन दे हैव नो डिफेंडर्स एट ऑल, बट Girona को टोटल शटर डाउन करके रखवा दिया है. एंड भाई, वंस अगेन, Vinicius Junior इज अ क्लच प्लेयर, इज एन इंपॉर्टेंट प्लेयर. एंड Vinicius Junior इज अ प्लेयर जो अगर अपने कूलनेस और कंपोजनेस में खेल रहा है ना गेम, तो फिर उसका कोई जो है वो भाई बाल बांका नहीं कर सकता है. लेकिन वंस ही स्टार्ट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, यू नो, गेटिंग इन्वॉल्व विद द भैया फैंस, वो लड़ाई करने चला गया है, वो फैंस को कुछ बक रहे हैं, फैंस उसको कुछ बक रहे हैं, तो फिर वो वहाँ पे Vinicius का गेम बिगड़ जाता है. लेकिन जिस दिन वो अपने कूलनेस और कंपोजर के साथ है, भाई, Vinicius जैसा विंगर पूरे देश में नहीं है. ये कहानी थी रियल मैड्रिड की पहले हाफ की. आई लव्ड द हाफ, मजा आ गया देख करके. खैर, अब देखते हैं अगले हाफ में क्या होता है, क्या Girona टर्न कर पाएगी, बिकॉज Girona ने, हमने देखा है भाई Girona को टर्न करते हुए गेम्स. देखने वाली बात होगी क्या होगा. बट फर्स्ट हाफ वॉज जस्ट क्लास एंड ब्रिलियंस फ्रॉम रियल मैड्रिड. ये थी दोस्तों मेरी आज की वीडियो. मैं मिलता हूं आपसे कल. लेकिन नेक्स्ट वीडियो मैसेज के थोड़ी केयर, प्लीज. जय हिंद, वंदे मातरम. एंड 11 तारीख को I will be in Delhi for that Ole Gunnar Solskjaer. I am in Delhi currently, but 11 तारीख को वो इवेंट में मैं रहूँगा. अगर आप आ रहे हैं तो भाई बिल्कुल मिलिएगा, बातें करेंगे, शातें करेंगे, सेल्फी वगैरह खींचेंगे. और मोस्ट प्रोबेबली आपको 11 नहीं 12 को, यानी कल, एक व्लॉग भी देखने को मिलेगा. कोशिश करूंगा उसी रात को एडिट करके डालने की. वो कोशिश सक्सेसफुल होती है कि नाकाम होती है, देखने वाली बात होगी, लेकिन ट्राई रहेगा. चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में. जय हिंद, डियर पीस. जय हिंद, वंदे मातरम. डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा है जुनून से. फुटबॉल की खबर रेखे जी के साथ, फुटबॉल की खबर रेखे जी के साथ, फुटबॉल की खबर रेखे जी के साथ, फुटबॉल की खबर रेखे जी के साथ.